भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस शासन में चीन ने देश की 1000 किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया, ऐसा होता तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बिना डर के सच्चाई स्वीकार कर अपना इस्तीफा सौंप देते, लेकिन भाजपा वाले सच को छिपाने में लगे हैं। राहुल ने राजस्थान कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के समापन पर ये बातें कही हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा व आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा सत्य है, जबकि भाजपा की लक्ष्मण रेखा सत्ता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाले किसी के भी सामने सिर झुका देते हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाया, अब ये पैसों के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि इनके दिलों में सच्चाई नहीं है। राहुल ने आगे कहा, जो लोग समस्या का सामना खड़े होकर करते हैं वो हिंदू हैं, जो समस्या के सामने डर से सिर झुका देते हैं उनकी विचारधारा हिंदुत्व है।